इस वीडियो में कैरेक्टर स्केच देखेंगे। कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में, जो आप जानते हैं कि बहुत बड़े वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट, इन्हीं का चरित्रण देखेंगे। आंसर है, रिचर्ड एब्राइट वाज अ जीनियस बॉय। रिचर्ड एब्राइट एक प्रतिभाशाली लड़का था। ही हैड वर्सटाइल पर्सनैलिटी, वह बहुमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। ही वॉज मैन ऑफ साइंटिफिक माइंड, वह वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति था। हेडिंग है, हिज मदर्स हेल्प, उसकी माँ की मदद। हिज मदर हेल्प्ड हिम, उसकी माँ ने उसकी मदद की। शी इनकरेज्ड हिम इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइंस, एस्ट्रोनॉमी, फोटोग्राफी एंड माउंटेनियरिंग। तो उन्होंने उसे, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, इनकरेज्ड किया कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तितलियों को एकत्रित करने में, रॉक्स चट्टानों में, फॉसिल्स जीवाश्मों में, कॉइंस सिक्कों में, एस्ट्रोनॉमी खगोल, फोटोग्राफी एंड माउंटेनियरिंग और पर्वतारोहण में इनकरेज किया। नेक्स्ट हेडिंग है, हिज चाइल्डहुड एंड इंटरेस्ट, उसका बचपन और रुचि। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल, विद्यालय में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एट द एज ऑफ 7, 7 वर्ष की अवस्था में, ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन साइंस फेयर्स, 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विज्ञान मेले में भाग लेना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, तो वे एक चैम्पियन डिबेटर और सार्वजनिक वक्ता थे। ही वॉज अ गुड कैनोइस्ट, वे एक अच्छे कैनोइस्ट, कैनोमिस नाव होता है तो नाविक था। ही वॉज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक अच्छा फोटोग्राफर था, विशेषज्ञ था, स्पेशली ऑफ नेचुरल एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, स्पेशली विशेष रूप से प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों की फोटो लेते थे। हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोग। व्हेन ही वॉज इन 8th क्लास, जब वे 8वीं में थे, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने एक प्रयोग किया। ही वॉन्टेड टू फाइंड द काज ऑफ वायरल डिजीज, वे एक वायरल डिजीज के कारण को जानना चाहते थे। दैट किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, जिससे कि बड़ी संख्या में मोनार्क तितलियाँ मर जाती थीं। दिस एक्सपेरिमेंट वन हिम अ प्राइज, इस प्रयोग ने उन्हें पुरस्कार दिलाया। लेटर ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बाद में उन्होंने ढेर सारे प्रयोग किए। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका योगदान। एब्राइट मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, एब्राइट ने विज्ञान की दुनिया में बहुमूल्य योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। ही डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, उन्होंने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की। ही डिटरमाइंड हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA, तो उन्होंने निर्धारित किया कि कोशिका अपने DNA के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।